नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टाइम स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रात में मृत शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता, रात के समय में मृत शरीर के साथ क्यों कोई न कोई उसके पास रहता है। दोस्तों, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर खाली हो जाता है और कहते हैं कि आत्मा के निकलने के बाद शरीर बजमील हो जाता है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है। और किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु संध्या के समय होती है तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद हिंदू धर्म में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना सही नहीं माना जाता। रात के समय अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में मनाई की गई है। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर रहेगी, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों, इस जानकारी को समझने के लिए, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न जाया करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस रिपोर्ट की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब इंसान के शरीर से आत्मा निकलकर कहां जाती है? आत्मा कहते हैं कि हर एक शरीर के अंदर आत्मा है, हर एक शरीर में आत्मा वास करती है। तो दोस्तों, रात के समय हमारा आज का विषय यही है कि रात के समय किसी भी डेड बॉडी को, किसी भी मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण में भी ये उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब तक व्यक्ति का पूरा उसका तेरवी नहीं हो जाती, तब तक जो मृत आत्मा है, जो जिस मृत शरीर हो गया उसकी जो आत्मा है वो वहीं भटकती रहती है। दोस्तों, पहला धर्मशास्त्रों का अगर रीजन माने तो धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है उसको अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो डेड बॉडी को कुत्ते और बिल्ली खा सकते हैं, उसको उस बॉडी को भोज सकते हैं। इसीलिए मृत शरीर को कभी भी रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता। दूसरी वजह ये मानते हैं कि अगर मृत शरीर, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई डेड बॉडी पड़ी है तो उस बॉडी में दूसरी किसी नेगेटिव आत्मा, या कह सकते हैं दूसरी आत्मा का वास हो सकता है, इसीलिए रात के समय डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, और हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी माना गया है कि रात के समय अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। वास्तव में अंतिम संस्कार का सही समय सूर्योदय के बाद है, सूर्यास्त के बाद नहीं। सूर्यास्त के बाद अंतिम समय को हिंदू धर्म शास्त्र बिल्कुल कतई सही नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? इसके पीछे की वजह यह है कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ता है। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अगर किसी उसका अंतिम संस्कार रात में किया जाता है तो उसको मनुष्य जाति में जन्म नहीं मिलता, उसको राक्षस जाति में जन्म मिलता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्र ये कहता है कि इस चीज से बचने के लिए कभी भी रात सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जिन कहते हैं कि लाश को, जब वो कोई भी इंसान है, जब उसका मृत्यु नहीं होती, तब तक उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई कीटाणु नहीं आ सकते, किसी भी प्रकार की उसकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया नहीं आ सकता। ये साइंटिफिक रीजन है। मृत्यु के बाद जो शरीर है वो धीरे धीरे बदबू मारने लगता है, शरीर से बदबू उत्पन्न हो जाती है। तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप ऐसे मौके पर गए होंगे जहां आपने देखा होगा कि डेड बॉडी के चारों तरफ लोग धूप बत्ती या अगरबत्ती सुलगा देते हैं, क्योंकि उसके पीछे की वजह यही होती है कि डेड बॉडी से
बदबू आने लगती है। गर्मियों के समय में जिन किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी में 24 घंटे के अंदर ही बदबू आने लगती है। तो कई लोग जिनके और जिनके कोई परिजन नहीं है, जिनका कोई अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं होता है, तो उसकी बॉडी को बर्फ में रख देते हैं, जिससे कि बॉडी बैक्टीरिया से बची रहे और सड़क से बची रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म शास्त्र ये भी कहता है कि पुत्र से अगर अंतिम संस्कार किया जाए, किसी भी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र ही ये दायित्व निभाता है कि वो उसका अंतिम संस्कार करे और उसकी जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो ज्येष्ठ पुत्री करे। ऐसा हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, उस व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सीधे प्रवेश कर जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म शास्त्र कई चीजों को नहीं मानता, कई चीजें मानता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्र डेड बॉडी से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया, ये हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार ही मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता है। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।